नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नुसरा डायबिटीज सेंटर के MD डॉक्टर हसन अल बन्ना, जो कि आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो लाइफस्टाइल जो चल रही है उस पर देखा गया है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर हो गए, लो इम्यूनिटी हो गए, हाइपरटेंशन, ये पेशेंट्स में डायबिटीज के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके नज़र में क्या वजह है कि ये डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है, उस बारे में बताइए। प्रमाण बढ़ने का मेन मुख्य कारण जो है तनाव है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, या लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, यानी चलना फिरना कम हो गया है, हम गाड़ी घोड़े से भी ज़्यादा चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है। टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत सारी एक्टिविटी कम कर रहे हैं, जितना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, लोगों ने जितना समय अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। ऐसा देखा गया है कि बहुत कम मात्रा में लोग सुबह वॉकिंग करने या एक्सरसाइज करने जाते हैं। ज़्यादातर लोग के वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबे होने की वजह से परेशान है, स्पेशली IT सेक्टर वाले 8 से 10-12 घंटे काम करते हैं, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता। और 2 दिन जो भी मिलते हैं, सैटरडे संडे, तो मोस्टली वो कंफर्टेबल रहने में या सोने में ज़्यादा समय निकल जाता है उनका। रहा यंग लोगों में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या और भी मोटापा या उससे हार्ट से रिलेटेड बीमारी बढ़ते जा रही है, उसका कारण ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है। स्पोर्ट्स का जो पहले कल्चर था स्कूलों में कॉलेज में, वो पहले से कम होता जा रहा है। आजकल लोग कंप्यूटर गेम या इंडोर गेम्स या मोबाइल गेम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी जो है जितना उन मोबाइल से दूर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। लास्ट 2 साल में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन जो है ऑनलाइन हो गया था, तो उसकी वजह से भी बच्चे प्योरली मोबाइल से अटैच हो गए, तो इसकी वजह से क्या है, वेट गेन वगैरह ज़्यादा होता है। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा रहेगा, हम लोग उतना समय सामने बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, और कई बार ना जानते बूझते या अननोइंगली हम लोग कई चीज़ें खाने लगते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, घर में चॉकलेट्स वगैरह हो गए, चिप्स हो गया, ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। फिर अभी फास्ट फूड का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपने यहाँ, तो वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से मोस्टली कई बार जो है वो लोग बाहर से ही बुला लेते हैं। फास्ट फूड कल्चर बढ़ने से क्या होता है, हाई कैलोरी डाइट जितना लेंगे हम उतना मोटापा बढ़ेगा, उतना जल्दी शुगर होने का चांस बढ़ेगा। डायबिटीज़ जिनको हो जाता है उनके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स तभी डेवलप होते हैं जब शुगर बहुत हाई हो गया हो। जैसा कॉमन जो सिम्टम्स है जिसको हम लोग सब जानते हैं कि पेशाब ज़्यादा होती है, वजन कम होता है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, ये बहुत हाई लेवल पे जब शुगर होती है तब होता है। लेकिन जो है जल्दी लेवल पे अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है। जैसा अगर हमारे माता पिता में शुगर है तो हम लोगों को होने का चांस ज़्यादा है, ऐसे ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है। और डायबिटीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर मतलब जिन लोगों में वो रिस्क होता है उनमें संभावना ज़्यादा होती है, जैसा कि जिनमें BP का शिकायत होती है, जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, जिनकी मदर को जो है मतलब जब प्रेगनेंसी में ऑलरेडी शुगर हुई थी, मोटापा फैमिली में ज़्यादा है, आप जहनी तनाव या प्रेशर के ज़्यादा शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ होता है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है जिसमें मोटापा होता है, हमारा जो ये है वेस्ट हिप ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है मेल में, और फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो अगर इन लोगों में है तो इन लोगों में शुगर होने की संभावना बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। सर, जब हम बात की जाए जो पर्टिकुलर जो डायबिटीज से ग्रस्त है उन्होंने किस तरह के लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करना चाहिए, उस बारे में बताइए। ठीक है, मतलब मैं जो है ना आपको ब्रॉड उसमें बात करूँगा, तो जो अडल्ट है यानी जिनको डायबिटीज हो गई है ऑलरेडी, तो उन लोगों को तो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। डेली जो है एटलीस्ट 5 डेज अ वीक 45 मिनट टू 1 आवर चलना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी में वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग मतलब जो है वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं या सिंपल पुशअप वगैरह, जो अपनी बॉडी वेट से जो अपन एक्सरसाइज करते हैं वो करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग में जो है मेनली कार्डियो, जिसको एक्सरसाइज में जो है हम कार्डियो बोलते हैं, जिसमें वॉकिंग होती है, स्विमिंग होती है, आप जुम्बा या डांसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं,
और वेट ट्रेनिंग में जो है मोस्टली जिम या घर पे जो है स्ट्रेच रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जाती है, तो ये एक्सरसाइजेस करना चाहिए। एक चीज़ आपको डाइट में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम लो कार्ब डाइट या 50-60% कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं तो हमारा शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर इंडियन एवरेज डाइट हम बात करें तो उसमें जो है 60-70% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, एक टाइप का शुगर ही है जो आगे कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है अपनी बॉडी में। तो जितनी कम मात्रा में रहेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट इतनी मात्रा रहना चाहिए कि बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो 50-60% हम कार्बोहाइड्रेट पे डाइट वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्पेशली उसमें राइस कम करना चाहिए। अगर आप चपाती खा रहे हैं तो आजकल मल्टीग्रेन गेहूं की रोटी आ गई है तो वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स अवॉइड करना है, स्पेशली जैसा आम हो गया, चीकू हो गया, सीताफल हो गया। बाकी जो रेशे वाले फ्रूट्स हैं जैसा मौसम्बी, संतरा, सेब, हम लोग ये ले सकते हैं। दिन में एक से एक छोटा एप्पल वगैरह खाने से उतना शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लूकोज लोड कम होता है। ऐसे ही हम जो है हमको खाने में प्रोटीन लेना चाहिए। जितना हमारा वेट है आइडियल वेट, अगर सपोज 70 kg वेट है आइडियल वेट, तो हमको 70 grams प्रोटीन लेना चाहिए दिन भर में। प्रोटीन लेने से हमारी मसल बनी रहती है और लॉन्ग टर्म में जो है इससे जो है हमारी बॉडी का एक मेंटेन रहती है। दूसरा चीज़ इससे शुगर वगैरह नहीं बढ़ता है, तो प्रोटीन लेने से जो है शुगर में स्पाइक कम होते हैं। तो हर खाने के साथ हम प्रोटीन ले सकते हैं। अब प्रोटीन क्या है, वेज है और नॉन वेज है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सोयाबीन वगैरह ले सकते हैं, दालें हैं और दूध है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। प्लस कई बार प्योर वेजिटेरियन लोगों में थोड़ा प्रोटीन की वो चॉइसेस कम है तो वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन में तो काफ़ी चॉइसेस है, जैसा चिकन हो गया, एग वाइट हो गया, अंडे की सफ़ेदी हो गई, देन फिश हो गया, और कुछ लोग जो है मटन पसंद करते हैं तो वो लीन मीट ले सकते हैं, यानी बिना चर्बी वाला लीन मीट बोलते हैं वो ले सकते हैं। ऐसा है कि लेकर अगर आप एक मिनिमम मात्रा में लेते हैं जो अलाउड है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी बिंज ड्रिंकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उससे जो है ऑलरेडी बॉडी के हर पार्ट को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा लीवर को नुकसान होता है। लीवर और शुगर जो है, लीवर पे इफेक्ट होगा तो शुगर ज़्यादा अनकंट्रोल होगा। हमारी ओपीडी जो है मेनली ये ओपीडी है, ओपीडी यानी हॉस्पिटल नहीं है, ये ओपीडी है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं डायबिटीज़ का, और जो है होम यहाँ पे भी मतलब ऑफिस कंसल्टेशन भी करते हैं। तो ज़्यादातर मेरे 99% पेशेंट ऐसे एक्चुअली डायबिटीज़ के ही होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है पहले जैसा हमारा कोर्ट की तरफ से जो है ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी किसी ज़माने में, अभी लास्ट दो साल में जो कोविड ने पूरा हेल्थ केयर का सिनेरियो चेंज कर दिया है। पहले वीडियो कंसल्टेशन वगैरह अलाउड नहीं था, अभी वीडियो कंसल्टेशन अलाउड हो गया है। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आए, अब लोग जो है अपने घर से बैठ के भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, और वो काफ़ी ईजी हो गया है। जो 100-200-300 kilometers से दूर से आते थे, कई बार अकेले नहीं आ पाते थे, उनको किसी को लाना पड़ता था, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं लोगों के। बस उनको ये पता रहना चाहिए कि किससे हमको कांटेक्ट करना है। मेरा क्लिनिक जो है यहाँ पे नागपुर में जाफरनगर करके एरिया है, वहाँ पे मेन रोड पे ही है। और यहाँ पे हम डॉक्टर का डायरेक्ट नाम डालें, डॉक्टर असमुल बन्ना या नुसरा डायबिटीज सेंटर, तो आपको जो है गूगल उसका लिंक मिल जाता है, वहाँ से एड्रेस के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब।